अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों आपको मुखौटे पहनना पसंद है? सब बच्चों को मुखौटे पहनना बहुत पसंद होता है। क्या आपने देखा है कि मुखौटे कहाँ कहाँ पहने जाते हैं? सालगिरह में पहने जाते हैं, अगर हम मेले में जाते हैं तो वहाँ भी हमें बिकते हुए नज़र आते हैं, और मुख्तलिफ मौक़ों पर हम मुखौटों को पहन सकते हैं। तो आइए आज हम कागज़ के ज़रिए खूबसूरत मुखौटा बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास में एक सफ़ेद रंग का कागज़ है ना। मैंने एक पेंसिल लिया है, कैंची है, ये कुछ हमारे पास कारामद चीज़ें हैं। तो बच्चों कागज़ के मुखौटे बनाने के लिए हमारे पास कुछ वसायल हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं हमने एक सफ़ेद रंग का मुस्ततिर नुमा कागज़ लिया है, कट कर। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने एक मुस्ततिल नुमा सफ़ेद रंग का कागज़ लिया है, हमारे पास पेंसिल है, कैंची है और धागा है। अब हम शुरू करते हैं मुखौटा बनाने के मरहले। सबसे पहला जो मरहला है, मुस्ततिल नुमा कागज़ को दरमियान से हम एक तह बनाएंगे, इसको इस तरीके से हम मोड़ देंगे। ध्यान से देखो, आपको भी इस तरीके से बनाना है। फिर उसके बाद इसको हम कट कर देंगे। इसको हमने इस तरीके से कट कर दिया है। बच्चों ध्यान रहे कि आपको कैंची ना लगे। अब ये हमने इसका एक हिस्सा यहाँ पे रख दिया है। अब इस हिस्से को हमको फिर से दरमियानी तह देना है, इसको मोड़ना है, ठीक है। अब हम इसको इसी तरह रखेंगे और पेंसिल की मदद से इसके ऊपर एक मुखौटा की तस्वीर बनाएंगे। बच्चों ध्यान से देखो, आपको भी इस तरीके से बनाना है। इसको हम बीच में से अपनी आँख की तरह एक आँख बनाएंगे, है ना। अब क्या करेंगे कि इसको हम कट कर देंगे। फिर से हम इसको कट करेंगे। ध्यान रहे कि आपको कैंची ना लगे। सभी बच्चे इस तरीके से मुखौटा बनाएंगे। अब हमने इसको कट कर दिया। अब देखते हैं हमें क्या नज़र आता है। हम इसको खोलेंगे तो हमें एक मुखौटा नज़र आएगा, है ना। अब हम इसको इस तरीके से एक और दूसरी आँख बनाएंगे, है ना। अभी हम इसको पेंसिल से बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा सुराख बनाएंगे, यहाँ पे भी छोटा सा सुराख बनाएंगे और इसमें हम धागा बांध देंगे ताकि हम हमारे चेहरे पे इसको पहन सके, है ना। और हमने कुछ इसको अच्छी तरीके से खूबसूरत दिखने के लिए कुछ डिज़ाइन वाले पत्ते बनाए हैं, जिसकी मदद से हम इसको यहाँ पे चिपकाएंगे और ये खूबसूरत लगेगा। तो इस तरीके से बच्चों आप घर पे बना सकते हैं, है ना। इसको आप और भी अच्छी तरीके से बना सकते हैं और इसको हम धागा बांध देंगे। तो बच्चों ये आपको मुखौटा नजर आ रहा है ना। इस तरीके से आप अपने घर पे कागज का इस्तेमाल करके या पुट्ठे का इस्तेमाल करके खूबसूरत मुखौटे बनाएं।